नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे वशीकरण के YouTube चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ एक ऐसा उपाय जो कि आपकी ज़िंदगी में जितनी भी समस्याएं हैं, जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, प्यार से संबंधित हों या फिर आपके रिलेशनशिप से संबंधित हों, कोई भी समस्या अगर आप दूर करना चाहते हैं तो इस उपाय को कर सकते हैं। जी हाँ, इसमें आपको जो चीज़ों का इस्तेमाल करना है वो सिर्फ कपूर की टिक्की का इस्तेमाल करना है और कपूर की टिक्किया से आप अपनी ज़िंदगी की समस्याओं को दूर कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसे कैसे करना है, इसे जानने के लिए इस वीडियो को ज़रूर देखिए और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा क्योंकि तब आपको हमारे सभी वीडियोस के अपडेट मिलते रहेंगे। तो मैं आपको बताती हूँ इसको किस तरह से करना है। दोस्तों, ध्यान से देखिए हमारे इस वीडियो को। तो सबसे पहले आपको इसमें जो करना है वो ये कि एक मंत्र है जिसका आपको उच्चारण करना है 108 बार। मैंने आपकी सहूलियत के लिए मंत्र यहाँ पे लिख के रखा हुआ है। मंत्र है ओम ओम ह्रीम श्रीम श्रीभे नमो भनवली मम समृद्ध्योज्वल माँ सर्व संपदा देहि माँ लक्ष्मी नाश्यम नाश्यम हुम फट स्वाहा। इस मंत्र का उच्चारण आपको 108 बार करना है ध्यान से। और उसके बाद आप अपने सामने 7 कपूर की टिक्कियाँ रख लीजिए। उसके बाद आपको इस मंत्र का उच्चारण 108 बार करना है और बाद में आपको क्या करना है कि जब आपका मंत्र का उच्चारण पूरा हो जाए तो आपको इन्हें जलाना है। जी हाँ, आप इन्हें एक कटोरी में, दिए में या जो भी आपके पास बर्तन हो उस हिसाब से आप इन्हें जला सकते हैं। इसको जब आप दिया ले लें या फिर कोई कटोरी ले लें तो आपको बस एक बात का ध्यान रखना है कि दूसरा कपूर आपको इसमें तभी डालना है जब पहला कपूर पूरी तरह से जल चुका हो। तो इस तरह से अपने सामने दिया रख लें और उसके बाद एक कपूर इसमें डाल दें और उसे आपको जलाना होगा। तो 108 बार मंत्र बोलकर आपको एक कपूर जला देना है और जैसे ही एक कपूर खत्म हो जाए उसके बाद आपको इसमें दूसरा कपूर डाल देना है। मतलब एक कपूर के खत्म होने से पहले ही आपको इसमें दूसरा डाल देना है। इस तरह से आपको 7 कपूर जला देने हैं। यकीन मानिए दोस्तों, ये एक इस तरह का उपाय है जिससे कि आपकी सारी समस्याएं ख़त्म हो जाएंगी, आपकी ज़िंदगी में सुख संपत्ति आ जाएगी, साथ ही साथ आपको मन की शांति भी मिलेगी। आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जब आप कपूर जला रहे हों तो आपके कमरे में चारों तरफ से खिड़कियां खुली होनी चाहिए, खिड़कियां बंद नहीं होनी चाहिए। खिड़कियां जब खुली होती हैं तो कपूर के अंदर जो कैम्फर होता है, जो इसके अंदर जो चीज़ होती है वो आपके घर के शुद्धिकरण के काम आती है। साथ ही साथ मन के भी शुद्धिकरण के लिए कपूर बहुत अच्छा होता है। तो आप इस उपाय को कीजिए। दोस्तों, अगर आपका कोई सवाल है, हमसे कुछ पूछना चाहते हैं तो हमारे वीडियो के स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहा है उस पर कॉल करके आप हमसे पूछ सकते हैं। ऐसे ही और वीडियोज़ देखने के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ।